भगोड़ा अमृतपाल फरार है, लेकिन उसने वीडियो जारी कर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार खालिस्तान के मामले पर खुलकर बात की है। अमित शाह का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये वही अमित शाह हैं जिन्हें कथित तौर पर अमृतपाल ने जान से मारने की धमकी दी थी, और माना जा रहा है कि इसके बाद ही अमृतपाल पर कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद वो भागा भागा फिर रहा है। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा है वो बताते हैं। अमृतपाल के मामले पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठता है तो राजनीति के बगैर हम उस राज्य के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पंजाब सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है केंद्र सरकार उसके साथ है। अमित शाह ने विदेशों में भारतीय दूतावासों पर हो रहे हमलों पर बोलते हुए कहा, भारत का दूतावास कहीं भी हो भारत का हिस्सा होता है। खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है इसे कहना कठिन है, ये 80 के दशक से चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश के हर हिस्से में और पंजाब में भी रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प है कि अमित शाह ने हर एंगल से इस मुद्दे पर खुलकर देश को बताया कि सरकार इस मामले को लेकर किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।